ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी भारत में आपको मानना पड़ेगा पिछले 20 साल में खूब बढ़ी है। तो ट्रांसपेरेंसी का जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट की शुरुआत करने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थी अरुणा रॉय, आप जानते होंगे। अरुणा रॉय ने राजस्थान में ब्यावर नाम का शहर है वहां से इस आंदोलन की शुरुआत की। उसी आंदोलन में दो लोग और भी शामिल थे, उसमें से एक का नाम है अरविंद केजरीवाल, एक का नाम है मनीष सिसोदिया। उस समय ये लोग संस्था चला रहे थे, परिवर्तन नाम की संस्था दिल्ली में चला रहे थे। अरविंद केजरीवाल का थोड़ा अलग पर्सोना है, IIT से पढ़े हुए व्यक्ति है, IRS था, IRS आदमी तो आपको पता है कि बोरियां भरी सकते जीवन में, पर उनकी छवि उस जमाने में ऐसी थी क्योंकि हम तैयारी करते थे तो आइडिया रहता था कि कौन दिल्ली में नौकरी करते हैं। ऐसी छवि उस समय भी थी कि बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, पत्नी भी IRS थी उनकी, और यार भी नौकरी छोड़ छाड़ के अपनी NGO चला रहा था परिवर्तन, छुट्टी लेके नौकरी से। परिवर्तन का काम था दिल्ली में सूचना का अधिकार लागू करवाना। दिल्ली में सूचना का अधिकार आ गया था, वो केंद्रीय अधिकार से अलग था उस समय। इन लोगों ने क्या आंदोलन किया, राशन की दुकानों पर सूचना के अधिकार का इस्तेमाल किया पहली बार, 2000 ईस्वी के आसपास की बात है ये। इतने जूते खाए हैं इन लोगों ने, इतनी लाठियां, इतने मुक्के, इतने थप्पड़ खाए हैं उस जमाने में राशन की दुकानें, पता है कि संगठित षड्यंत्र चलता वहां पर। तो अब होता क्या, राशन आया मान लीजिए 5000 लोगों के लिए, मुश्किल से 1000 को दिया, बाकी राशन का जो सामान आया बेच दिया मार्केट में, और वो या मार्केट के रेट से बेच दिया, ये कहेगी सामान नहीं आया, ये चलता ही था। इन लोगों ने क्या किया, और नियम क्या है कि जब आप राशन देंगे किसी को तो जिसको दिया उसके साइन करवाने होते हैं। इन्होंने सूचना के अधिकार के तहत राशन विभाग से ये मांगा कि इन इन व्यक्तियों के राशन, जब ये लेने गए तो पता चला कि राशन जा चुका है और इनका मानना है कि इन्होंने नहीं लिया है, तो कृपया वो कागजात हमें दिखाएं फोटोकॉपी जिनमें इनके हस्ताक्षर किए हुए हैं। अब मिले हुए लोग थे, उन्होंने राशन की दुकान को बताया कि ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं भाई, बेरोजगार लोग ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने इनको ढूंढा, इतना पीटा, इतनी तोड़ाई की, इतनी तोड़ाई की इन लोगों की, मतलब ये लोग सूझे हुए दिखते थे उस जमाने में, अब तो फिर भी स्लिम दिख रहे हैं, अब तो एकदम काफी सूझे हुए दिखते थे। इतनी पिटाई करवाने के बाद और तब ये सूचना का अधिकार वो सब आंदोलन चला, फिर केंद्र में आ गया, और जब आ गया तो उसका इस्तेमाल कई लोगों ने किया, शानदार तरीके से किया। तो किसी अधिकार को लाने के पीछे कई लोगों की स्ट्रगल होती है, किसी किसी को फायदा मिल जाता है, जैसे ये दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो गए, और भी लोग थे जो कुछ भी नहीं बन पाए, उनमें से कुछ की मौत भी हो गई, कुछ को जिंदा जला दिया गया, कुछ को मार मार के खत्म कर दिया गया, ऐसा बड़ा स्ट्रगल हुआ था। लेकिन अब दिल्ली में राशन की दुकानें आमतौर पर घपला करने से बचती हैं, और यदि वो बचती हैं तो उसमें पिछले 5 साल की सरकार की भूमिका नहीं है, सरकार बनने से पहले के जो मूवमेंट थे उनकी बड़ी भूमिका है। और ये ट्रांसपेरेंसी अगर आ जाए सिस्टम में तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम की जो डिलीवरी है वो बहुत बेहतर हो जाती है।